शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गिर गए, कोई बात नहीं। एक बात याद रखना, जितनी बार गिरोगे उठना मत भूलना। जाओ। हर माँ बाप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं, मगर कभी कभी ये भविष्य इंसान की जिद बन जाती है। जैसे तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, बेटा तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, और फिर जिद की भरपाई पूरे परिवार को करनी पड़ती है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें सपना टूटने के डर से पूरा परिवार ही बिखर गया। और आप लोगों को यह सुनकर हैरानी होगी कि आखिर प्यार किस हद तक जा सकता है, प्यार क्या क्या करवा सकता है, और एक भावना से भरा इंसान कैसे एक भयानक हैवान का रूप ले सकता है। खा बेटा। अरे अरे बस करो पापा, खा खा। अभी ये पापा क्या कर रहे हो, खिला के मारोगे क्या? अरे बेटा अभी तो हमारा शान से जीने का समय आया है और तू बात करता है मरने वाली। पागल बेटा, तुमने इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास करके हमारी सारी मेहनत सफल कर दी, अब हम भी ना दुनिया में शान से सर उठा के चल सकते। बेटा काश आज माँ होती तो वो भी इतनी खुश होती। नहीं बेटा, वो तो हमेशा हमारे साथ है और ये सब उसी के आशीर्वाद से तो हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। वो 2 बीघा जमीन पर खेती करने वाले का लड़का फटी पुरानी किताब पढ़ के इंजीनियरिंग का टेस्ट पास कर लिया, और हमने तुम्हें बढ़िया कोचिंग दिलाई, बढ़िया कपड़े दिलवाए, परिणाम कुछ भी नहीं निकला, पूरे गांव में नाक कटवा दी हमारी। पिताजी वो मैं, लोग क्या बोलेंगे कि वो जमींदार का बेटा घर में बैठकर रोटियां तोड़ता है और वो गरीब किसान का बेटा थोड़े दिन में बड़ा इंसान बन गया। वो कोचिंग वाले हमें बेकार पढ़ाए, वरना एग्जाम तो हम कब का पास कर लेते। अच्छा अब तुम अपनी पूरी नाकामी कोचिंग वाले के ऊपर डाल दिए। वो गरीब केशव का बेटा बिना कोचिंग के पास हो गया, पूरा गाँव हंस रहा होगा हमारे पे लगातार तुम्हारी इस नाकामी के कारण। बेवकूफ कहीं का। ये लो खा लो। क्या हुआ, मुंह फुला कर बैठी? हम कहाँ मुंह फुलाए बैठे हैं, हम तो इस घर की नौकरानी है ना, जो दिन रात काम करते रहते हैं, और हमारी जिंदगी तो यहीं पर मरने की लिखी है बस। लो बताओ भी, पगले आ गई हो क्या? देखो जी, हमारे दोनों बच्चे तो बगल वाले गांव में जाते हैं मैकेनिक का काम करने, और तुम यहाँ गैराज में काम करते रहते हो, और हमारी जिंदगी तो कालिक और ग्रीस में ही निकल गई है। और वो देखो तुम्हारे बड़े भाई का बेटा, एक ही झटके में उसने इम्तिहान पास करके हम सबको कितना पीछे छोड़ दिया। तो उसमें बुराई क्या है? अरे यही बात तो तुम्हें समझ नहीं आ रही है,
वो कुछ दिनों में महीने भर के लाखों रुपए कमाएगा और पूरे गांव वाले हमारे बच्चों को ताना देंगे और तुम्हारी और हमारी कोई औकात नहीं रहेगी उनके घर जाने की। और जब भी उनकी गाड़ी खराब होगी ना, तब तुम्हें बुलाएंगे मरम्मत कराने को। तो क्या करें हम बताओ, क्या करें? मना कर दें भैया को कि नहीं रोहन को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मत दिलाओ? अरे जब अपनी औलाद नालायक हो ना तो दूसरों पे उंगलियां नहीं उठाते। तुम्हारे अंदर से जलन की भावना कब जाएगी? अरे समझी या नहीं? हाँ हाँ समझ गई, और ये भी समझ गई कि आपसे कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी करना होगा ना, मुझी को करना होगा। लाइए तो हमारा नाश्ता तो देती जाओ। रहिए भूखे, नहीं दूंगी। बड़ी तारीफ हो रही है आजकल। हाँ सब बोल रहे हैं कि पूरे गांव में पहली बार कोई कॉलेज जा रहे थे बड़े। जब से रिजल्ट आया तब से खुद की तारीफ सुन सुन के थक गया हूँ मैं। कम से कम तुम तो कोई और बात करो। हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? सुना है वहाँ पर एक से एक बढ़कर लड़कियाँ हैं। हे भगवान, फिर वही बात यार। कब तुम हमारे बचपन का प्यार हो, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं? और एक बात और बताए। बताओ। तुमको ही पाने के लिए इतनी जबरदस्त तैयारी की है हम। तुझे पता है आज किसका फोन आया था? मनोज फूफा जी का। अरे तुम ना छोटा ही सोचोगे, अरे प्रदेश समाचार अखबार वालों का फोन आया था। एक हफ्ते में आ रहे हैं अपने रोहन का इंटरव्यू लेने, और मालूम है फोटो खींचकर खुद ही ले जाएंगे, और उसके बाद देखना पूरे प्रदेश भर में हमारे गांव का खूब नाम होगा। ये तो बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब आपने। अरे एक और बढ़िया बात, तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे जैसे हम रह गए थे। क्या भैया? अरे अपना रोहन जिस कॉलेज में जा रहा है ना, वहां से डिग्री लेने के बाद साल के 12 लाख रुपए की नौकरी मिलती है। अरे क्या बात है भैया, मतलब महीने के 1 लाख रुपए? हाँ, अरे वो भी हम कम बता रहे हैं। अरे क्या बात है, बधाई हो भैया, चाय पियो ना। अब बहू चाय अच्छी बनाई है। जमींदार साहब, जमींदार साहब बाहर आइए। क्यों चिल्ला रहा है माखन? आपने सुना, उस केशव को गांव वाले प्रधानी के चुनाव में खड़ा करना चाह रहे हैं। ये केशव का लड़का इंजीनियरिंग का पेपर क्या पास कर लिया, लोगों ने उसकी तुलना हमसे करना चालू कर दी। कुछ करना पड़ेगा उस केशव का। माखन देखता जा केशव का क्या हाल करता हूं, सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बाबा जी बहुत हो गया, अब सहन नहीं हो रहा, कुछ उपाय कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए और उस रोहन का विनाश कीजिए। आप 5,000 रुपए दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी बाबा जी, मैं पहले से ही व्यवस्था करके लाई थी, लीजिए। रोहन, अरे कौन भाई? नमस्ते, मेरा नाम विकास गुप्ता है, विकास कोचिंग सेंटर का मालिक। हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बैठिए बैठिए। अरे रोहन, रोहन सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा इम्तिहान पास करने के लिए।
जी हमारे विकास कोचिंग क्लासेस का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, इस गांव का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर नाम रोशन कर, जैसे रोहन कर रहा है। तो हम चाहते थे कि इसमें हमारी रोहन कुछ मदद करे। पर रोहन आपकी क्या मदद कर सकता है? देखिए कल आपके यहाँ प्रदेश समाचार वाले आएंगे रोहन का इंटरव्यू लेने, जब वो पूछें कि रोहन ने किस कोचिंग क्लासेस से पढ़ाई की है तो आपको हमारी कोचिंग क्लासेस का नाम लेना, बस इतना सा काम करना है आपको और उसके बदले हम आपको 30,000 रुपये देंगे। वाह क्या दिमाग पाया है आपने, मेहनत हमारा बच्चा करे और लोग पीठ थपथपाए आपकी। अरे हमसे झूठ बुलवा कर आप ना जाने कितने बच्चों को ठग कर पैसा कमाएंगे। लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की खातिर अपनी जमीनें भी बेच डालते और आप ना जाने कितनों का भविष्य खराब करने के बदले हमें उपहार देना चाहते हैं। अरे चलिए निकलिए यहां से। एक बार आप सोच लीजिएगा। सोच लिया, और अगर हम ज्यादा सोचेंगे ना तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। उससे पहले कि वो स्थिति आए आप जाइए यहां से। चलिए क्या बात है सिमरन, अपने राज से नहीं मिलोगी? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, ये तो हमारा प्यार है, हम बहुत चाहते हैं आपको, इसलिए सोचे कि आज अपने दिल की बात आपसे कह ही दूं। कहो। I love you। तो हम भी अपने दिल की बात बोल दें। कहिए ना। हम सिर्फ और सिर्फ रोहन से प्यार करते हैं और उसी से करते रहेंगे। अब हमें परेशान मत करो और हटो यहाँ से। रोहन ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी, अब हमारी बारी है उसकी जिंदगी बर्बाद करने की। ओए कविता, देख क्या कार लेके आया इंपोर्टेड, चल तुझे घुमा के लाता हूं। हमारी किस्मत में ना ये मरम्मत में आने वाली गाड़ी से ही घूमना लिखा है, और असली गाड़ी का मजा ना वो रोहन लेगा अपनी खुद की गाड़ी में। तुम ही जाओ घूमने। पागल हो गई है क्या तू? तुझे ताना मारने के सिवा कुछ आता है कि नहीं? सारा मूड खराब करके रख दिया। अरे रोहन कहाँ जा रहे? बैंक जा रहे, कॉलेज को एक ड्राफ्ट देना है। सुनो ना, तुमसे कुछ बात करनी थी हमें, वो भी तुम्हारे फायदे की। हाँ बोलिए। यार बाहर काफी शोर है, एक काम करो ना गाड़ी के अंदर आ जाओ। तो बोली। देखो रोहन, दुनिया का सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर सोचना ही है ना तो खुद के बारे में सोचो ना। सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने की देरी है रोहन, और 10% कमीशन हर बच्चे का तुम्हारा होगा। और इतना ही नहीं, हर गांव में हर शहर में तुम्हारे पोस्टर लगवा के तुम्हें फेमस भी कर दूंगा, और यही नहीं तुम्हारे पूरी कॉलेज की फीस मैं ही दे दूंगा। तो सोचो रोहन, है ना फायदे का सौदा। लेकिन हमने तो सुना है कि आपके कोचिंग सेंटर में फीस बहुत महंगी है और आपके टीचर्स बीएससी तक पास नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है यार, करने वाला तो तुम्हारी तरह बिना कोचिंग के भी कर लेता है। हमें तो बस तुम्हारी कामयाबी दिखा के नालायक बच्चों के माँ बाप को लायक बनाने के सपने दिखाने।
लेकिन उन लोगों को इतनी महंगी फीस भर के उनका क्या फायदा? अरे हमें क्या फर्क पड़ना है यार, हम अपना सोचते हैं ना, बाकी लोग गए भाड़ में, सोचो रोहन। ठीक है अभी हम चलते हैं, थोड़ा सोच समझ कर जवाब देंगे आपको। सुनिए लीजिए मिठाई खाइए। ये क्यों? अरे केशव जी आपके बेटे ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। सब ईश्वर की कृपा है भैया, मैं चलता हूँ। अरे रोहन, ओ बेटा रोहन। अरे पापा। आइए बेटा पानी पीजिए। ये सब क्या है? अरे बेटा ये सब तुम्हारा सामान है, अब कल तुम बाहर जा रहोगे पढ़ने तो वहां जरूरत पड़ेगी। इसमें टूथब्रश से लेकर कपड़े जूते चप्पल साबुन सब ले आया मैं। पापा पर इन सब चीजों के लिए इतने पैसे कहां से आए? तुम पैसों की चिंता मत करो बेटा, तुम तो वहां जाकर सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा आप अब देखना, मैं आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा। बेटा जैसे जैसे तेरे जाने का वक्त करीब आ रहा है मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस कुछ ही दिनों की बात है, पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों फिर से एक साथ होंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं बेटा। आप बोलिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? जरा भेजिए जरा हमको वो लिंक। हमें तो बस तुम्हारी कामयाबी दिखा के नालायक बच्चों के माँ बाप को लायक बनाने के सपने दिखाने। रोहन बहुत भारी नुकसान कर दिया तुम हमारा, और अब हम तुम्हारा ऐसा नुकसान करेंगे कि तुम जिंदगी भर नहीं उभर पाओगे। बहुत अच्छा किए तुम उस विकास कोचिंग वाले का भांडा फोड़, वरना बहुत बच्चों का भविष्य खराब हो जाता। पापा से पूछ के पर्दाफाश किया हम उसका, उसकी तरह से पीछे ही पड़ गया था हमारे। हम उसे बोल चुके थे कि ये गलत काम हमसे ना हो पाएगा, लेकिन वो बाजी नहीं आ रहा था, इसीलिए सबक सिखा दिया हमसे। इसलिए तो इतना प्यार करते हैं तुमसे। क्यों चीख रहे भैया इतना? चीख रहे हो? अरे आप ये फोटो देखिए, देखिए देखिए, आप बताइए ये सब करने की उम्र है इन दोनों की? इस लड़की का बाप हूं मैं, आपका बेटा हमारी बेटी को गुमराह कर रहा है। देखिए इससे पहले हमारी और ज्यादा बदनामी हो हम अपनी बेटी को काबू में रखेंगे, लेकिन सीधी बात, आप अपने बेटे की लगाम को कसिए वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका। रोहन रोहन क्या है ये, कौन है? पापा वो मैं और निहारिका दोनों एक दूसरे से प्यार करते। रोहन यहां हम अपनी जिंदगी झोंक रहे हैं तुम्हें कामयाब आदमी बनाने के लिए, और तुम होकर फालतू कामों में उलझे हुए हो। अरे बाज आ जाओ अपनी हरकतों से वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। पापा, पापा, I'm so sorry, पापा, 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 पापा,
पापा। क्या हो गया रोहन? पापा बहुत नाराज हैं। कह रहे थे कि अगर हम दोनों को फिर से साथ देख लिया तो जान से मार डालेंगे। निहारिका तुम टेंशन मत लो। वैसे भी हम कुछ दिन बाद कॉलेज जा ही रहे, और देखना जिस दिन हम नौकरी लेकर तुम्हारे घर पहुंचेंगे ना, उस दिन तुम्हारे पिताजी हमारा स्वागत करेंगे। मेरे पापा को भी तब मनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कुछ दिनों की बात है। अच्छा ठीक है, अब तुम घर चले जाओ इससे पहले कि कोई और बखेड़ा खड़ा हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि जितनी बड़ी कामयाबी उतने ज्यादा दुश्मन। रोहन ने कामयाब होकर एक तरफ अपनी काबिलियत साबित कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी इस काबिलियत से जलने वाले कई दुश्मन खड़े हो गए थे। कोई उसके उज्जवल भविष्य से जल रहा था तो किसी को उसकी ईमानदारी ने जला डाला। मगर दुख तो इस बात का है कि दूसरों को जलाने वाला खुद ही राख में बदल गया। अपनी कोशिशों से जो मुकाम रोहन बनाने में कामयाब हुआ था, वो किसी ने हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। एक उज्जवल सूरज चढ़ने से पहले ही अस्त हो गया। मां बाप के लिए उनकी औलाद गर्व का कारण बनती है, किंतु दुर्भाग्यवश केशव के लिए उसकी खुशियां मातम में बदल गई। अरे रोहन, रोहन मेरे बेटे, ये क्या हो गया बेटा? बेटे मैं तुझसे अब कभी कुछ नहीं कहूंगा बेटा। जो अपने पापा जैसे नाराज होके नहीं जा सकता बेटा। रोहन आगे खोलो बेटा, मेरे बाल आगे खोल दे मेरे बच्चे। लगता है हिट एंड रन का केस है। अच्छी तरीके से चेक करो सब जगह, और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक टोल नाका है, वहां से इस डायवर्जन पर आने वाली हर एक गाड़ी की डिटेल्स जमा करो और सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ओके मैडम। इस कार के टूटे हुए इंडिकेटर को सभी कार पार्ट्स वालों के पास लेकर जाओ और पता करो कि कौन सी गाड़ी का है। जी मैडम। इनको उठाओ यहाँ से।
इस टायर के निशान को चेक करवाओ और पता कराओ कौन सी गाड़ी का है। जी बेटा। एम्बुलेंस फटाफट बुलवाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी। सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने एक्सीडेंट होते हुए देखा हो। जी बेटा। मैडम, रोहन की साइकिल पर एक्सीडेंट के दौरान जो लाल रंग का निशान लगा था, ठीक वैसी लाल रंग की गाड़ी यहाँ के जमींदार नारायण सिंह के पास भी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रोहन बे दो बार गाड़ी चढ़ाई गई थी। इसका मतलब यह है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका मर्डर हुआ है। और तुम जमींदार के बारे में कुछ बता रहे थे, क्या कोई दुश्मनी का लिंक नजर आ रहा है क्या? लिंक तो है मैडम, एक तो उसका बेटा वो परीक्षा नहीं निकाल पाया जो रोहन ने निकाल ली थी, और दूसरा यहाँ के गांव वाले केशव को प्रधान के पद पे खड़ा करना चाहते थे। हो सकता है उसे कमजोर करने के लिए उसने रोहन का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर मैडम, हम तो शहर में थे ही नहीं। रही बात चुनाव की, तो लगातार 10 साल हम अपने गांव से चुनाव जीते हैं, हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अपनी बड़ाई करना बंद कीजिए और ये बताइए कि आपकी कार कहाँ है। ड्राइवर शहर लेके गया हुआ है, शाम तक वापस आ जाएगा। ठीक है, उससे कहिएगा घर में लाने से पहले पुलिस थाने में हाजिरी लगाए, वो भी कार के साथ। आपने ही तो कहा था कि छोटी मोटी बातों पर आंसू नहीं बात है, पर आपकी आंखों में आंसू। ये खुशी के आंसू हैं। अब तेरी माँ और मैंने जब तू पैदा हुआ था ना, बहुत खुशियां मनाई थी, कई सपने देखे थे तेरे लिए, पर वो तो मेरा साथ छोड़कर बीच रास्ते में चली गई, मुझे अकेला कर गई। लेकिन हाँ, तेरे लिए देखे हुए उसके सारे सपनों को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। बेटा, मैंने तुझे अपने आप से कभी एक दिन के लिए भी दूर नहीं रखा, पर अब लगता है पता नहीं कितने दिन तुझसे दूर रहना पड़ेगा। ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब चिंता मत करो, बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार मैं ये इम्तिहान पास कर लूँ ना, उसके बाद मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, मैडम वो नारायण सिंह का ड्राइवर आया था गाड़ी लेकर, हमने अच्छी तरीके से चेक किया, लेकिन रोहन की साइकिल पर लगा हुआ रंग और उसकी गाड़ी का रंग बिल्कुल अलग है। गाड़ी भले ही नारायण सिंह की ना हो, मगर काम तो उसका हो सकता है ना, बहुत चालाक आदमी है, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और हाँ, रोहन के पड़ोसियों ने चाची चाचा की बड़ी तारीफ करी है, चलो मिलकर आते। तुम्हारे ही पड़ोसी से पता चला है कि एक रात तुमको रोहन के घर के बाहर जादू टोने का कुछ सामान रखते हुए देखा गया था। उसके बाद हमने उस तांत्रिक को दबोचा है, उसने ही हमें बताया है कि जब से रोहन इंजीनियरिंग की परीक्षा में पास हुआ है, तब से जलन के मारे तुम्हारी बड़ी हालत खराब है। अब ये बताइए क्यों मरवा दिया उसे? माफ कीजिए मैडम, हमने जादू टोना इसलिए कराया था कि उस घर की लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, पर हमने नहीं मरवाया उसको, वो तो हमारे बच्चे जैसा था मैडम। क्यों, आपका तो कार रिपेयरिंग का काम है ना, नई नई गाड़ियां आती होंगी, नीली काली लाल। हम समझ गए आपका इशारा, पर हम रोहन को क्यों मारेंगे? हमें तो भैया बोले थे कि जब रोहन की नौकरी लग जाएगी तो हमें भी, हमारे बच्चों को भी किसी न किसी कंपनी में लगवा देंगे,
जब हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य खुद रोहन से जुड़ा हुआ है तो हम क्यों मारेंगे रोहन को? ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है, और जब तक तहकीकात चल रही है ना तब तक दोनों घर में ही रहना। आ रही बात समझ में? हेलो मैडम, रोहन की गर्लफ्रेंड निहारिका का कॉल आया, वो कुछ कहना चाहती है। चलो मैम, हमें लगता है ये काम योगेश का होगा। जब से उसे पता चला है कि हम रोहन से प्यार करते हैं, तब से ही तिलमिलाए बैठा है वो। उसी ने मारा होगा हमारे रोहन को। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हमको याद करेंगे, ठीक है? गांव की हर लड़की को बड़ा परेशान किया है तूने, और जब से रोहन ने इंजीनियरिंग पास की है तब से तो वो तेरे गले की हड्डी बन गया था, जिसकी वजह से ना तू अपने बाप से नजरें मिला पा रहा था और ना ही निहारिका से नजरें लड़ा पा रहा था, इसलिए रोहन को रास्ते से हटा दिया तूने। मैडम, हमने रोहन को नहीं मारा है। हम परेशान जरूर थे उसकी वजह से, लेकिन हम उसे मारे नहीं। और हम उसे मारते क्यों, जबकि हम तो अपना बदला पहले ही पूरा कर चुके थे। मतलब? मतलब कैसा? निहारिका और रोहन की फोटो से दोनों परिवारों में दुश्मनी करा के। दुश्मनी करा कर? ये जान से मरवा कर? मैम, हम सच बोल रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें। सपोज बोल। हो सकता है निहारिका के पापा ने ये किया हो। मैडम, मेरे और मेरे पड़ोसियों के फोन पर रोहन और निहारिका के गले मिली हुई फोटो किसी ने डाल दी थी। मेरी बेटी की बदनामी हो रही थी, इसलिए मैं धमकी देकर आया था रोहन के बाप को। पर मैं उसे क्यों मारूंगा? निहारिका मुझे बता चुकी थी कि कुछ समय बाद वो 4 साल के लिए शहर जा रहा है कॉलेज में पढ़ाई करने। ठीक है, आप जा सकते हैं। मैडम, एक खबर मिली है। मैडम, मैंने उसे नहीं मारा। मैडम, मैंने उसे सच में नहीं मारा। मैडम, रोहन ने तुम्हारा वीडियो बनाकर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला दिया, और उसके बदले तुमने उसकी जान ले ली। नहीं मैडम, मैंने उसे सच में नहीं मारा। मैं उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, पर मैडम ये सब मेरा काम नहीं। बल्कि मैडम, उस वीडियो के बाद तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकला। मुझे बच्चों के माँ बाप ने परेशान कर रखा था, कुछ मुझे धमकियां दे रहे थे, तो कुछ मुझसे पैसे वापस मांगने लगे। मैडम, सीसीटीवी फुटेज में वो कार ट्रेस हो गई है जो मर्डर की जगह पर थी। उसके टायर के निशान और इंडिकेटर भी मैच किया है। सुन, तुम हमसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी कार पे जो डेंट मिला है ना, रोहन की साइकिल से लगा था, और रोहन की साइकिल पे तुम्हारी कार का पेंट मिला है। तुम्हारी कार उस दिन गांव के बाहर वाले टोल नाके से पार हुई थी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कार का जो इंडिकेटर है ना, वो नया है, जो रोहन के एक्सीडेंट में टूट गया था। अब सच बोलना शुरू करो। गलती हो गई थी मैडम, उस रोज मैं गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, और वो लड़का एकदम मेरी गाड़ी के सामने आ गया। तुमने उसे टक्कर मारने के बाद दोबारा अपनी गाड़ी से कुचल कर वहां मरने के लिए छोड़ दिया। मैं डर गया था मैडम कि कहीं वो मेरी कार का नंबर ना पहचान पाए। अच्छा, तू वहां गया क्या था? तेरा काम क्या था वहां?
जबकि तेरी दुकान तो इस शहर में है ना। बोल क्या काम था। पिछले 3 हफ्तों से तेरी गाड़ी को टोल नाके के सीसीटीवी कैमरे में ट्रेस किया गया है। याद रखना, अगर मुझसे झूठ बोला ना तो इतनी मार पड़ेगी ना कि तू कार चलाने लायक क्या पैदल चलने लायक नहीं बचेगा। बोल। हाँ मैडम, मैंने ही जानबूझकर रोहन को मारा था क्योंकि मैं मजबूर था। मेरा इकलौता बेटा करण, उसने भी इंजीनियरिंग की परीक्षा दी थी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो निराश हो गया और ये उसका आखिरी चांस था। और बेटा कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई मढ़ाई। पापा अगर इस बार भी मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा। कैसे नहीं निकाल पाएगा बेटा तू ये एग्जाम। बिल्कुल निकाल लेगा तू, मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। ये ले तू दूध पी, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है अच्छे से बेटा। ओके मैं आता हूं। इस बार जब रिजल्ट आया तो उसका नंबर 113 था और कॉलेज की सीट केवल 112। वो निराश हो गया था, वो डिप्रेशन में जाने लगा। सब खत्म हो गया। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मेरे करियर का क्या होगा। मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ऐसा तू कभी मत करना बेटा, तू ऐसा मत करना कभी। पापा पापा आप मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटा, मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा। ऐसे नहीं बोलते बेटा। मैं सुन, तुम सुन, तुम सुन, मैं मेरे बेटे तुझे वचन देता हूँ, इस साल उस कॉलेज में मैं तेरा एडमिशन जरूर कराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बस फिर क्या था, हमारे दिमाग में एक उपाय आया। कॉलेज की सिलेक्शन लिस्ट में से अगर एक लड़का कम हो गया तो मेरे बेटे करण को जरूर एडमिशन मिल जाएगा। बस फिर क्या, हमने शिकार ढूंढना शुरू कर दिया। फिर कुछ ही दूर के गांव का एक लड़का रोहन मिला उस लिस्ट में से। बस हमने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मौका देखकर अरे
अपने बेटे की जिंदगी बनाने के लिए तूने दूसरे की औलाद छीन ली। अब तेरे बेटे का भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन जो तेरा भविष्य है ना, वो जेल की सलाखों के पीछे का। लेके चलो उसे। अक्सर हम अपनी औलाद की चाहत में इस कदर पागल हो जाते हैं कि सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं, ये सोचे बिना कि वो लायक है या नहीं। उनकी खुशी के लिए, उनके भविष्य के लिए हर कदम उठाने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। शायद यही आदत उनको जिद्दी के साथ साथ कमजोर भी बना देती है। काश राजेश ने अपने बेटे की जिद मानने के बजाय उसका मनोबल बढ़ाया होता, उसे और मेहनत करने का हौसला दिया होता, तो संभवतः केशव उसकी जिंदगी का इकलौता सहारा नहीं खो बैठता। राजेश के बच्चे के लिए उसकी सोच ने उसे अंधा बना दिया। उसने किसी को मौत देकर अपने बेटे की जिंदगी खरीदनी चाहिए। अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जो जज्बा राजेश के अंदर था, वो धीरे धीरे इतना भयानक होता गया कि जुर्म की शक्ल ले बैठा। उस एक जुर्म ने एक नहीं दो दो परिवार को खत्म कर दिया। एक तरफ एक बाप ने अपने बेटे को खोया, दूसरी तरफ राजेश को उम्र कैद होने की वजह से एक बेटा अपने बाप को खो बैठा। जब जज्बात जुर्म पे हावी हो जाते हैं तो एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। चलिए आज्ञा दीजिए, फिर लौट कर आऊंगा एक और दिल दहलाने वाली कहानी लेकर। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जुड़े रहिए हमारे साथ जुर्म और जज्बात पर। सी यू।